हो गया क्या? हेलो, हेलो। यस, सो आई थिंक आई एम लाइव। सो मेरी आवाज क्लियर है? ओके, सो लेट अस स्टार्ट द सेशन, राइट। और ये सेशन का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी पैरामीटर्स, राइट। तो यहाँ पे इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाई द इलेक्ट्रिक व्हीकल इज सो इम्पोर्टेंट एंड व्हाई द डिफरेंट पैरामीटर्स, व्हाट आर द डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी पैक, जिसमें हमने पहले पिछले सेशन में भी हमने कुछ टॉपिक कवर किए थे। फॉर एन एग्जाम्पल, एसओसी, राइट, एसओसी एंड एसओएच पैरामीटर्स। और यहाँ पे आज के टॉपिक में भी जो है हम कुछ पैरामीटर्स जो है वो देखेंगे बैटरी से रिलेटेड एंड व्हाई दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेट अस स्टार्ट द सेशन, और मैं बीच बीच में आपको बताते भी जाऊंगा कि व्हाई द इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री इन दैट द बैटरी पैक स्पेसिफिकेशन एंड डिफरेंट पैरामीटर्स यू शुड नो बिफोर एंटरिंग और वांटेड टू इफ यू आर एंथुसियास्ट, यू नो, इन ऑर्डर टू स्टार्ट देयर करियर इन टू द ईवी इंडस्ट्री और वांटेड टू नो मोर अबाउट द बैटरीज एंड ऑल। तो दिस इज द बैटरी एंड टिपिकली व्हाट वी से हियर, राइट। सो दिस वन, सो दिस वन राइट हियर इज अ प्रिज्मैटिक, राइट। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड पाउच सेल, राइट, एंड दिस इज द सिलेंड्रिकल वन। एंड सबसे ज्यादा ये जो आपका यूज होता है मोबाइल फोन्स में, राइट, सबसे ज्यादा मोस्ट यूज होने वाली जो बैटरी है वो है आपके मोबाइल फोन्स के अंदर जो यूज होती है। एंड दिस इज द सिलेंड्रिकल सेल जो कि आपकी डबल ए ट्रिपल ए पेंसिल सेल्स और उसके अलावा 1865021700 जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले सिलेंड्रिकल सेल्स है। इसके अलावा अभी और ज्यादा एडवांस जो बैटरी के स्ट्रक्चर्स है वो आने चालू हो चुके हैं, एंड दिस इज द बेसिक वन। सो वी कैन डिस्टिंग्विश द बैटरीज अकॉर्डिंग टू दैट। राइट, और अभी थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। राइट, सो बैटरी टाइप ऑफ बैटरीज, वी विल सी हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ बैटरीज इन टू द इंडस्ट्री, राइट। देन वी विल सी द बैटरी पैरामीटर, जिसमें हमने पहले इसके पहले वाले जो लाइव सेशन में पिछले वीक के जो हमारे वर्कशॉप में हमने कवर किया था स्टेट ऑफ चार्ज एंड स्टेट ऑफ हेल्थ, हाउ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेट ऑफ चार्ज एंड स्टेट ऑफ हेल्थ पैरामीटर्स। और इसके अलावा जो बाकी के इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो कि आज हम कवर करने वाले हैं, राइट। देन द बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू चेक ऑल ऑफ द पैरामीटर्स विच इज रिलेटेड टू द ऑल ऑफ द पैरामीटर्स लाइक करेंट,
है, करंट हो गया आपके बैटरी पैक की वोल्टेज, टेम्परेचर, राइट। एंड व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज एंड व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज इन्हीं पैरामीटर्स के बेसिस पे जो है आपकी बैटरी की परफॉर्मेंस है वो है इनहेंस होने वाली है, राइट। भले ही वो करंट हो गया, वोल्टेज हो गया एंड टेम्परेचर, बिकॉज यही पैरामीटर्स है जो आपके बैटरी को जो कि हम सभी लोगों को पता होगा कि सेल्फ बैलेंसिंग इज वेरी वेरी क्रूशियल फॉर बैटरी पैक इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल, बिकॉज इन द सेल्फ बैलेंसिंग देयर आर मेनी नंबर ऑफ बैटरीज जो कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कंडीशंस में कभी क्योंकि देयर आर नंबर ऑफ बैटरीज, सो सम बैटरीज एंड ऑल ऑफ द बैटरीज कांट बी सेम अकॉर्डिंग टू द केमिकल केमिकल स्ट्रक्चर एंड अकॉर्डिंग टू द बैटरी फिजिकली, बिकॉज कोई भी दो पैरामीटर्स, कोई भी दो डिवाइसेस, कोई भी दो बैटरीज एग्जैक्टली इक्वल नहीं हो सकती। जब नंबर ऑफ साइकिल्स इंक्रीज होते हैं बैटरी बैटरी के अंदर, तो देयर वोल्टेज एंड देयर एसओसी लेवल थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होता है। अब वो थोड़े से फ्लक्चुएशन के कारण जो है बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है आपके बैटरी के ऊपर भी बहुत ज्यादा अफेक्ट पड़ता है चार्जिंग के टाइम में और डिस्चार्जिंग के टाइम में, एंड दैट्स व्हाई द सेल्फ बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेल्फ बैलेंसिंग किस वे में होता है, जब आपके पैरामीटर्स फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे करंट, यहाँ पे जो आपके जो करंट है, करंट, वोल्टेज एंड टेम्परेचर, इन तीनों के बेसिस पे ही है जो सबसे बाकी पूरे आपके बैटरी को जो मेंटेन करना, उसके एनालिसिस करना, उसके डाटा को दूसरे डिवाइसेस में शेयर करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन सभी पैरामीटर्स को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना, दैट इज द पार्ट ऑफ द बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम एंड जिसमें आपकी हेल्प करते हैं बैटरी पैरामीटर्स, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो कि हमने पहले भी देखा था, बिकॉज द इलेक्ट्रिक व्हीकल हैज मेनी नंबर ऑफ सेल्स जिसमें मॉड्यूल्स, देर आर डिफरेंट नंबर ऑफ मॉड्यूल्स इन विच देर आर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट। एंड सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन आर अटैच इन डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल, सो अ पर्टिकुलर मॉड्यूल इज कंसिस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ सेल्स, एदर इट इज प्रिज्मेटिक और सिलेंड्रिकल, राइट। दो ही टाइप के सेल सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं, राइट। अभी एक और नया सेल जो है वो ज्यादातर यूज किया जाता है, वो भी एक टाइप ऑफ प्रिज्मेटिक ही है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लेड बैटरी, राइट। जो कि बहुत लेंथ में बहुत ज्यादा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू प्रिज्मेटिक, राइट। उसको भी बहुत अभी आजकल यूज होने चालू हो गई है, जो कि आई थिंक बीवाईडी ने इसको जो है इस टेक्नोलॉजी को जो इंप्लीमेंट किया है। राइट, देन देयर आर बैटरी पैक्स, देन बैटरी पैक्स एंड देन द बैटरी, प्राइमरी बैटरी एंड द सेकेंडरी बैटरी, राइट। दो टाइप की बैटरीज होती है, प्राइमरी दैट मींस नॉन रिचार्जेबल, एंड सेकेंडरी इज द रिचार्जेबल बैटरी, राइट। वही दोनों का आपको जो है बेसिकली डिफरेंस आता है, नॉर्मल बैटरीज को हम लोग इसलिए यूज नहीं करते हैं अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर, राइट। एंड दिस इज द बैटरी पैक ऑफ टाटा नेक्सॉन व्हिच हैज द स्पेसिफिकेशन ऑफ अराउंड 30.2 किलोवाट आवर, राइट। अब किलोवाट आवर दैट मींस इट इज अ डिनोटेड एज अ बैटरी कैपेसिटी, ठीक है। इसमें आज जो हम लोग पैरामीटर डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे बैटरी कैपेसिटी, हाउ देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ बैटरी कैपेसिटीज पैरामीटर्स एंड द यूनिट्स अकॉर्डिंग टू द
यूसेज इन द पर्टिकुलर डिवाइसेस, अगर ईवी के अंदर यूज हो रहा है तो उसके जो बैटरी कैपेसिटी को शो करने का तरीका है वो जो डिफरेंट होगा, फोन के रिस्पेक्ट में वो चीज डिफरेंट होगी, राइट, दूसरे और डिवाइसेस में वो चीज डिफरेंट होगी, राइट। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ बैटरीज जो कि हमने पिछले वर्कशॉप में भी जो है डिस्कस किया था, इस वर्कशॉप में भी जो है हम वो देखेंगे। लीड एसिड बैटरीज, राइट, जो कि बहुत ही वर्सेटाइल बैटरी है आपके पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर में, राइट, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, बहुत कम प्राइसिंग है और बहुत ज्यादा रोबस्ट, राइट। देन द निकल बेस्ड बैटरी जो कि आपके डिजिटल कैमरास में सबसे ज्यादा यूज होते हैं, ट्रिमर्स में यूज होता है, पावर डिवाइसेस में यूज होते हैं, NICD, निकल कैडमियम एंड NIMH बैटरी, राइट। एंड देन द सुपर कैपेसिटर्स विच कैन बी यूज इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल इन फ्यूचर, बट इट इज इन द R&D परस्पेक्टिव, बट इसके अलावा भी बहुत सारे डिवाइसेस में सुपर कैपेसिटर का यूज होता है एज अ प्राइमरी चार्ज, प्राइमरी एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, राइट। देन द लिथियम आयन बैटरी, राइट, आपके फोन में, मेरे लैपटॉप में, राइट, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सबसे ज्यादा यूज होता है आपका लिथियम आयन बैटरी, इसमें भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स हैं, राइट। देन द जेब्रा बैटरीज, निकल आयन बैटरीज, फ्यूचरिस्टिक सोडियम आयन बैटरीज एंड द सॉलिड स्टेट बैटरीज, तो यहाँ पे और भी बहुत सारे टाइप्स की बैटरीज हैं जो कि अभी R&D पर्पसेस में है, राइट। बट हम लोग आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, बैटरी पैरामीटर्स, राइट। अब बैटरी पैरामीटर्स देखने से पहले मैं आप एक चीज और डिस्कस यहाँ पे करना चाहूंगा, राइट, वाई हम लोग ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, राइट, और क्या इम्पोर्टेंस है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, राइट। मैं हर एक हमारे हर एक जो लाइव क्लासेस में ये चीज डिस्कस करता हूँ, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या कितने सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं, क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं जो हम लोग करना चाहते हैं इसके अंदर, कि अगर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको जॉब पानी है तो आपको क्या क्या स्किल सेट आना चाहिए, राइट, और क्या क्या स्किल सेट के साथ क्या क्या नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्या कैसे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री रिलेवेंट प्रोजेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल यू आर गोइंग टू एंटर इन टू द ईवी इंडस्ट्री, राइट। नाउ देर आर थ्री मेन टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, राइट, फर्स्ट वन इज द हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेकेंड वन इज द प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, देन द बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब यहाँ पे बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है इनके बीच। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल दैट मीन्स वहां पे आपके पेट्रोल टैंक्स भी है, राइट, और आपके बैटरी पैक भी है, बट इसमें डिफरेंस ये है कि आप पेट्रोल तो भर सकते हो पेट्रोल स्टेशन पे, बट जो आपकी बैटरी प्रेजेंट है आपके व्हीकल के अंदर वो आप एक्सटर्नली चार्ज नहीं कर सकते, वो वहां पे एक एक्स्ट्रा माइलेज और एज अ बैकअप आपके गाड़ी के अंदर जो है वो प्रेजेंट रहेगा इन द हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, राइट। आप पेट्रोल भर सकते हैं, राइट, अब इस ये गाड़ी जो है, इन गाड़ियों की रेंजेस जो है प्राइसिंग के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि वहां पे आपका गैसोलीन टैंक्स भी है, बैटरी पैक भी है, IC इंजन भी है, प्लस आपके इलेक्ट्रिक मोटर्स भी हैं, राइट। तो इसीलिए हमेशा ये वाले HEV PHEV की सेगमेंट की जो गाड़ियां हैं वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होती है और बहुत जो लग्जरी ब्रांड जो है वो ही प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे कि प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल में डिफरेंस क्या है, राइट। तो फर्स्ट डिफरेंस इज द यहाँ पे भी सेम आपके गैसोलीन से आपका पावर गाड़ी में आपके पेट्रोल भरती है, आपके पेट्रोल टैंक्स भी होते हैं, बैटरी पैक भी होती है, बट आप प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल में आप पेट्रोल भी भर सकते हो, साथ ही साथ जो आपकी बैटरी पैक प्रेजेंट है उसको भी आप एक्सटर्नली जो है वो चार्ज कर सकते हो, दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दैट एंड द BEV इज द जिसमें एनर्जी सोर्स सिर्फ और सिर्फ एक बैटरी पैक है और जो उसमें इलेक्ट्रिक मोटर प्रेजेंट है जो कि आपकी गाड़ी को मूवमेंट प्रोवाइड करता है, तो दिस इज द बेसिक इलेक्ट्रिक व्हीकल। नाउ अब ये हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री टू क्रिएट 1 करोड़ डायरेक्ट जॉब्स बाई 2030, राइट। यहाँ पे इतना 1 करोड़ डायरेक्ट जॉब्स प्रोवाइड होंगे किनको, इंजीनियर्स को, राइट, और किन इंजीनियर्स को, राइट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वही इंजीनियर्स को जिनके पास प्रॉपर स्किल्स हैं,
और हम लोग ये आज का जो सेशन कर इसीलिए भी कर रहे हैं ताकि आपको एक अलग जो है वो प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिले कि आईटी इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो कि पुरानी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री चल रही है, अब सबको पता है कि फोर फोर कंपनी में अगर हम लोग को जॉब चाहिए फॉर एंड फोर ब्रांचेस लाइक मैक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी हो, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, या फिर आपका ऑटोमोबाइल, या फिर सीएसआईटी वाले जो भी जो जिनको कोडिंग करना पसंद नहीं है, राइट। यहाँ पे भी आप देखोगे अपने फ्रेंड्स लोग को कि मैकेनिकल वाले, इलेक्ट्रिकल वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी आईटी इंडस्ट्री में जा रहे हैं, बट क्योंकि वहां पे बहुत इजीली जो है जॉब प्रोवाइड हो जाती है क्योंकि वहां पे वो बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग है, बट आपको उसके लिए अपने कोर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से आपको हट के स्किल सीखनी पड़ेगी, राइट। बहुत लोगों को लगा होता है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ, जो इंजीनियरिंग में मैंने इतने इतना टाइम इन्वेस्ट किया, इतने पैसे इन्वेस्ट किए, तो मैं उसी नॉलेज को मैं जो है वो यूटिलाइज करके मैं उसी में जॉब करना था। तो ये बहुत ही बड़ी एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी है उन सारे बच्चों के लिए जो कि अपने कोर इंडस्ट्री से जुड़े रहना चाहते हैं और साथ ही साथ उसी फील्ड में जो है वो जॉब करना चाहते हैं, नॉट इन द आईटी इंडस्ट्री और इररिलेवेंट टू देयर इंजीनियरिंग ब्रांचेस, राइट। बहुत सारे मैकेनिकल के स्टूडेंट्स भी है जो कि आईटी इंडस्ट्री में जाते हैं, इलेक्ट्रिकल के भी हैं बहुत सारे जो कोर्स करते हैं, लैंग्वेज सीखते हैं एंड देन कैंपस से प्लेसमेंट लग जाती है तो वो है वो वहां पे चले जाते हैं। बट ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि अपने कोर फील्ड के साथ जुड़े रहना चाहते हैं बट उनके पास ऑप्शन नहीं रहता, राइट। सो दिस इज द वेरी गोल्डन पीरियड और टू दैट स्टूडेंट्स जो और इंडस्ट्री में जो है वो जॉब पाना चाहते हैं, राइट। अब यहाँ पे मैं एक ही डायलॉग बोलता हूँ कि एड ईवी टू योर सीवी, राइट, एड ईवी टू योर सीवी, राइट। इतना बड़ा इंडस्ट्री आने वाला है, राइट, इलेक्ट्रिक व्हीकल का, कि अगर आप बहुत ही बेसिक स्किल्स भी अगर आप सीखते हो, राइट, इन कुछ बेसिक से आप प्रोजेक्ट्स करते हो, राइट, और उसको एक अच्छे तरीके से आप अगर रिक्रूटर के सामने शोकेस करते हो तो आपको प्लेसमेंट आराम से मिलेगी। बट एक चीज है कि आपको उतना ज्यादा स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी और हो सकता है कि पैकेज आपको उसके अकॉर्डिंग ना मिले, ठीक है। राइट, सो यहाँ पे आप स्किल्स कैसे सीख सकते हैं, राइट। एक बहुत ही ज्यादा अच्छी बात यह है कि हम लोग खुद जो है वो एक हमारा कोर्स है उसके थ्रू हम लोग स्किल्स प्रोवाइड करते हैं, इंडस्ट्री ओरिएंटेड जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस हैं जिसके थ्रू हम लोग का जो है हमारे जितने भी टॉपिक इंडस्ट्री एक्सपर्ट सेशन किए हैं हम, राइट, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, राइट, जिनमें से कुछ नाम ही है जो यहाँ पे शोकेस हुए हैं। आप हमारे YouTube चैनल में जाके जो है टॉप इंडस्ट्री एक्सपर्ट सेशन देख सकते हैं जहाँ पे हमने जो कोर्स डिजाइन किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल डिजाइन एंड डेवलपमेंट कोर्सेज का, राइट, वहां पे हमने इन सभी लोगों से इनपुट लिया है, राइट। मिस्टर उदय नारायण सर, फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ ओमेगा साइकिल मोबिलिटी, राहिल गुप्ता सर, ऑफ इलेक्ट्रिक के को फाउंडर एंड सीटीओ, जय जयवीर श्रीवास सर, कबीरा मोबिलिटी के सीईओ एंड फाउंडर, जैनेन्द्र आनंद सर जो कि ग्रुप सीईओ है मैक्सी ग्रुप के और अभी ये एलएमएल इलेक्ट्रिक में स्विच हो चुके हैं, राइट, एंड पुष्पराज सालू के फाउंडर एंड सीटीओ ऑफ प्रेरक मोटो, अगर आपको पता होगा तो ये शार्क टैंक इंडिया, एक शार्क टैंक इंडिया के सीजन 1 में आए थे और इनको फंडिंग मिली थी विद ऑल ऑफ द शार्क, राइट। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे सीईओ एंड फाउंडर्स हैं जिनसे इनपुट लेके हमने ये कोर्स डिजाइन किया है और इंडस्ट्री रिलेवेंट जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस है विद ऑल ऑफ द प्रोजेक्ट्स इन द सॉफ्टवेयर, राइट, लाइक मैटलैब सिमुलिंक, सॉलिडवर्क्स, कैडिया, एनसिस, राइट, जो कि इंडस्ट्री में एक फ्रेशर से डिमांड की जाती है, एक फ्रेशर, या फिर अगर आप फील्ड जो है स्विच करना चाहते हैं, राइट, दिस इज द बेसिक थिंग दैट यू शुड नो बिफोर एंटरिंग इन टू द ईवी इंडस्ट्री, राइट। और ये हम लोग हर एक सेशन में इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे
इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो इंडस्ट्री आने वाली है, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री या फिर मैं बोलूँ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, तो मैकेनिकल के स्टूडेंट है उनको भी पता है, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट है उनको भी आइडिया है, अगर वो मार्केट के एनालिसिस कर रहे हैं तो, कि कैसे आईसी इंजन आईसी व्हीकल्स जो है जो चल रही है वो कैसे रिप्लेस हो रही है, कैसे मेजर जो कंपनीज है इंडिया के अंदर स्विच कर रही है और आ रही है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ई मोबिलिटी के जो एरिया में, और ये बहुत ही नई फील्ड है और इस नई फील्ड में नए लोगों की भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होने वाली, स्किल्ड लोगों की जो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होने चाहिए विद अ बेसिक प्रॉपर स्किल्स रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक व्हीकल, राइट। तो जो भी करिकुलम हमें कॉलेज में पढ़ाया जाता है वो बहुत ही ज्यादा आउटडेटेड है, राइट। आप कहीं पे भी जाओगे विथाउट द कॉलेज कॉलेज प्लेसमेंट, जो कॉलेज में कंपनीज आती है उसके अलावा आपको कहीं भी कॉलेज में पढ़ी हुई चीजों का ज्यादा आपको नॉलेज नहीं आएगा, ज्यादा आपका यूसेज नहीं आएगा, जब तक आप खुद के स्किल्स के ऊपर काम नहीं कर रहे हो। आप अगर कॉलेज में हो, आप अगर प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो खुद से जब करोगे और तभी वो चीज आपको हेल्प में आएगी। कुछ कुछ होते हैं फैकल्टी जो कि बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं ये सब चीजों में, बट बहुत ही कम परसेंटेज है वैसे लोगों का, राइट। बहुत सारे लोग गवर्नमेंट एग्जाम के पास जाते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, बहुत लोग गेट के पीछे जाते हैं, राइट। बहुत लोग फिर आईटी इंडस्ट्री जाते हैं क्योंकि इजी जॉब लग जाती है, राइट। तो ये बहुत एक गवर्नमेंट एग्जाम तो दैट इज उसमें मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा, सबको पता है गवर्नमेंट की वैकेंसीज और कितनी कितना पेशेंस की रिक्वायरमेंट होती है, राइट, आज के टाइम में। बट आज के टाइम में प्राइवेट सेक्टर्स में इतनी ज्यादा स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, अगर आपके पास प्रॉपर स्किल्स है तो आप खाली नहीं बैठोगे, राइट। एंड गेट का भी बहुत, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर आप जॉब के लिए जाना चाह रहे हैं, अगर एमटेक के लिए जाना चाह रहे हैं तो दैट इज योर डिसीजन, जो कि ज्यादा लोग नहीं जाते हैं, राइट। एंड आईटी फील्ड जिसमें सब के सब पीछे भाग रहे हैं आईटी इंडस्ट्री के, राइट। बट अभी जो है आईटी फील्ड के बाद जो आईटी एरा आया था जिसमें बहुत सारे लोग ज्वाइन किए थे आईटी इंडस्ट्री, उसके बाद अभी ईवी इंडस्ट्री में वैसा ही एरा आने वाला है कोर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल ऑटोमोबाइल ईटीसी, उन सभी स्टूडेंट के, और स्पेशली सीएस और आईटी के लिए भी, राइट। सीएस और आईटी के लिए भी बहुत ज्यादा ऑप्शन है, राइट, क्योंकि वही सब चीज आपके ऐप में ही होने वाली है, इंटरफेसिंग जैसे कि ओला एथर की जो इंटरफेसिंग है वो पूरा क्लाउड बेसिस पे है, डाटा के एनालिसिस भी बहुत सारा बहुत ज्यादा होगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल इज ओपन टू ऑल ऑफ द ब्रांचेस, राइट। बट सबसे मेजर रिक्वायरमेंट होगी आपके कोर इंजीनियरिंग ब्रांचेस, तो आप हमारी जो है ऐप को विजिट कीजिए, कोर्स के बारे में जानिए, अगर आपको बेनिफिशियल लगता है तो आप बिल्कुल आइए, हम लोग आपके प्लेसमेंट के लिए बैठे हैं, राइट। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि व्हाई द मैटलैब सिमुलिंग सॉफ्टवेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक मोस्टली पूरे हर एक इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाली ये सॉफ्टवेयर है मैटलैब सिमुलिंग, जिसमें आप सिमुलेशन एंड एनालिसिस करते हैं, राइट। और इसमें मैं कुछ आपको प्रोजेक्ट भी दिखाऊंगा, राइट। देन यहाँ पे जैसे कि आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट दिख रहा है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ लिथियम आयन बैटरी यूजिंग मैटलैब फंक्शन, तो यहाँ पे जो दिख रहा है आपको दिस इज अ बेसिक मैटलैब मॉडल ऑफ अ लिथियम आयन बैटरी, राइट, व्हिच इन व्हिच द स्पेसिफिकेशन इज यूज्ड ऑफ द सैमसंग SDI-1850 बैटरीज। अब उसका एनालिसिस, उसकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग प्रोसेस जो है वो हम लोग देखते हैं, कभी भी कोई भी बैटरी अगर आती है बन के किसी भी कंपनीज के बाद डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, तो उसको 500 to 800 जो साइकिल्स है ना, या फिर हो सकता है इससे भी कम साइकिल्स जो है वो उससे गुजारा जाता है, ताकि उसकी जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग प्रोसेस है, राइट, बहुत बार चार्जिंग डिस्चार्जिंग की जाती है, उसके बाद उसमें क्या डिफेक्ट आ रहा है, कैसे वो लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं आपस में, राइट, क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, पहले कैसी थी बैटरी अभी उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, वो सारी चीजें एनालाइज करती हैं, और ताकि कोई भी फॉल्ट बैटरी जो है, फॉल्टी बैटरी जो है वो आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर ना जाए, क्योंकि अगर एक बैटरी अगर आपकी जो है वो फॉल्ट निकलती है तो उसके कारण पूरे बैटरी पैक पे आपका इम्पैक्ट पड़ता है, राइट।
तो अब देन देयर इज अ मैटलैब मॉडलिंग ऑफ पावर ट्रेन पावर ट्रेन सिमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड दिस इज द सिमुलेशन ऑफ अ टाटा नेक्सॉन ईवी। अब यहाँ पे दिस इज द मेन प्रोजेक्ट ऑफ द टाटा नेक्सॉन जिसमें हम लोग एक सिर्फ सॉफ्टवेयर के अंदर ही हम लोग सारी चीजें जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है दिस इज द ड्राइव साइकिल राइट, यहाँ पे दिस इज द ड्राइव साइकिल एंड दिस इज द ड्राइवर हु इज गिविंग द कमांड राइट। ये आपको कमांड दे रही है आपके व्हीकल बॉडी को, ये आपका मोटर मोटर कंट्रोलर यूनिट है राइट, ये आपका जो है व्हीकल डायनामिक्स है ना। अब ये जो है आपकी मोटर कंट्रोलर यूनिट, यहाँ पे आपका एक्सलेशन कमांड डीएक्सलेशन कमांड जा रहा है जिसके बेसिस में मोटर को पता चल रहा है कि वो मोटर को जो है एक्सलरेट करना है या फिर कॉन्स्टेंट रहना है या फिर डीएक्सलरेट करना है राइट। और देन वो कमांड जाता है आपके बैटरी पैक में जहां से जिस अगर एक्सलेशन एक्सलेशन का कमांड आया है तो एक्सलेशन के अकॉर्डिंग लास्ट जितना एक्सलेशन चाहिए उसके अकॉर्डिंग जो है वो एनर्जी कंज्यूम करेगा आपके बैटरी पैक से, देन वही जाएगी आपके व्हीकल डायनेमिक्स के अंदर जिसके कारण आपके जो व्हील जो है वो रोटेट करेगा। एंड देन उसके बाद जितना भी परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको दिख रहा है उसके पैरामीटर्स कितना किलोमीटर चली कितने स्पीड में चली है राइट, वो सारा हम लोग जो है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे मैं फिजिकली अपने गाड़ी को डिजाइन करने से पहले ही मैं उसके पूरे पैरामीटर्स को सिमुलेशन करके मैं उसकी रेंज डिसाइड कर सकता हूँ। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द सॉफ्टवेयर बिफोर इम्प्लीमेंटिंग इन टू द रियल वर्ल्ड। हम सॉफ्टवेयर के अंदर वो सारे पैरामीटर्स को जो है वो यूज करके उसके पैरामीटर्स को अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करके जैसा मुझे आउटपुट चाहिए वैसा मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मैनिपुलेट कर सकता हूँ। दिस इज द ब्यूटी ऑफ यूजिंग द सॉफ्टवेयर इन टू द इंडस्ट्री। So that's why for that pressure, the software learning is very, very important. Irrespective of your branches, if you wanted to be a part of the EV industry, तो आपको design software भी आनी चाहिए, simulation software भी आनी चाहिए, right? अब इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं सॉलिड वर्क्स एंड कैटिया। एंड ये जो सारे जो सॉफ्टवेयर मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर हैं राइट। जो आप अगर आप ईवी इंडस्ट्री में जाना चाहते हो तो इतने सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए जिसमें आपने बेसिक 3 से 4 प्रोजेक्ट तो आपने किए ही हो राइट। एंड सॉलिड वर्क्स एंड कैटिया दिस इज द डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर विच इज वी यूज फॉर डिजाइनिंग द बैटरी पैक, डिजाइनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड डिजाइनिंग ऑफ ई बाइक। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे बैटरी पैक हमने डिजाइन किया 18650 की राइट, जो कि कहीं पे भी यूज हो सकती है आपके बैटरी आपके 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल रिक्शा के अंदर आपके बैटरी पैक के अंदर या फिर आप घर पे आप पावर बैकअप बनाना चाहते हो तो वहां पे भी जो है वो यूज हो जाता है। एंड देन द एनसिस सॉफ्टवेयर विच इज यूज फॉर द डिजाइनिंग प्लस थर्मल एंड द फ्लूड एनालिसिस। अब आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो बैटरी है ईवी बैटरी जब भी हम लोग बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर वहां पे आ जाता है टेम्परेचर राइट। हाउ मच टेम्परेचर द बैटरी इज मेंटेनिंग राइट, बैटरी पैक इज मेंटेनिंग, द कूलिंग सिस्टम इज मेंटेन राइट। अब इसके अंदर दो चीज आती है, एक आपका आता है बीएमएस एक आपका आता है बीटीएमएस राइट। बीएमएस जो कि आपके हर एक पैरामीटर को एनालाइज करती है मॉनिटर करती है पर सेकेंड के बेसिस पे इंस्टेंटेनियसली जो है रियल टाइम एनालिसिस चलते रहती है कंटिन्यूअस। आप जो कि मैंने आपको पहले भी पैरामीटर्स बताए राइट, फॉर एग्जाम्पल करेंट वोल्टेज एंड टेम्परेचर जो कि आपके फीडबैक जाता रहता है आपके सिस्टम्स को। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है उसके पर्टिकुलर जैसे कि 35 डिग्री सेल्सियस अगर उससे ज्यादा आपके बैटरी पैक के अंदर का टेम्परेचर बढ़ता है तो वो सिस्टम जो है बीएमएस सिस्टम किसको एक्टिवेट करता है आपके बैटरी थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम को, जो कि आपके टेम्परेचर बैटरी पैक की जो टेम्परेचर है उसको एक ऑप्टिमम रेंज के अंदर ला देता है बाय द कूलिंग सिस्टम एदर इट इज एयर कूलिंग और द लिक्विड कूलिंग दैट डजंट मैटर राइट। और उसके अंदर ला देता है ताकि आपके बैटरी पैक एक ऑप्टिमम परफॉर्मेंस प्रोवाइड करे राइट, बिकॉज टेम्परेचर इज द वेरी वेरी मेजर फैक्टर राइट। आप किसी भी डिवाइसेस के अंदर ले ले, आप अगर हैवी यूसेज कर रहे हो अपने फोन का
राइट, अगर आप चार्जिंग करते करते अगर आप कुछ हैवी गेम खेल रहे हो, राइट, पबजी जैसा कुछ बड़ा हैवी गेम खेल रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, तो आपकी धीरे धीरे जो है आपकी बैटरी हीट अप होना चालू होती है, क्योंकि वहां पे एनर्जी जा भी रही है और कंज्यूम भी हो रही है, राइट। तो इसीलिए वैसे केसेस में जो है आपकी जो कूलिंग सिस्टम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। जो हम लोग ऐसे सॉफ्टवेयर के साथ जो है हम लोग उसका सिमुलेशन कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, कि कैसे अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो कैसे उसको मेंटेन किया जा सकता है, उसके लिए हम लोग क्या सिस्टम डिजाइन करें, कैसे क्या कूलिंग सिस्टम होनी चाहिए, राइट। हाइब्रिड कूलिंग होनी चाहिए, एयर कूलिंग होनी चाहिए, लिक्विड कूलिंग होनी चाहिए, और अगर आपको लिक्विड कूलिंग होनी चाहिए तो उसके अंदर क्या कूलेंट यूज करना है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एंड देन हियर देयर आर सम प्रोजेक्ट रिलेटेड टू द एंसिस, डॉज वाइपर, एरोडायनामिक एनालिसिस, राइट, देन कार बॉडी क्रैश टेस्ट, राइट। ये इसको हम लोग विंड टनल एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, जो कि डॉज वाइपर का एरोडायनामिक एनालिसिस है इसमें। और यहाँ पे हम जो देख रहे हैं लिक्विड कूलिंग एनालिसिस ऑफ क्वांटिजल बैटरी पैक, राइट। यहाँ पे हम लोग आउटर बॉडी का भी एनालिसिस कर रहे हैं कि कैसे एरोडायनामिक ड्रैग किसी भी कार का कम कर सके, कार की बॉडी की स्ट्रेंथ क्रैश टेस्ट के थ्रू भी हम लोग टेस्ट कर सकते हैं एनसिस सॉफ्टवेयर के अंदर, और एज वेल एज द थर्मल सिमुलेशन भी जो है हम लोग बहुत फुली इसके अंदर एनालाइज कर सकते हैं। एंड दिस इज द वेरी बेसिक प्रोजेक्ट दैट यू शुड नो बिफोर बिफोर एंटरिंग इनटू द इंडस्ट्री। एंड ये कहाँ से आपको आइडिया होगा, दैट इज फ्रॉम अवर प्लेटफॉर्म, आपको इजीली एक्सेस है, राइट। आप गूगल प्ले स्टोर में आप जाके इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स आप सर्च कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स आप सर्च करेंगे, आप इंस्टॉल करके आप साइन अप कर लीजिए, अगर आप न्यू यूजर हैं, आपको कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी। अब ये इसीलिए क्योंकि हम लोग जो है टाइम टू टाइम जो है वीकली बेसिस पे जो हम लोग का सेशन है लाइव सेशन वो आते रहता है। अब आने वाले टाइम में हाउ टू बिकेम एन ईवी इंजीनियर, राइट, ये भी सेशन जो है हम लोगों का आने वाला है, तो इसीलिए आप ट्यून्ड रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए, राइट, और हमारे प्रीवियस कंटेंट को भी देखिए जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री से रिलेटेड भी है, और अगर कोई आईटी स्टूडेंट भी अगर आप देख रहे हैं तो इसके अलावा हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल कोर्सेज के अलावा हमारा डाटा साइंस एंड डाटा एनालिटिक्स का कोर्सेज है, जिसकी भी प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पे, राइट। अब यहाँ पे आपको साइन अप अगर आप कर लोगे, साइन अप करने के बाद आपको यहाँ पे फ्री जो है फ्री कोर्सेज भी आपको यहाँ पे मिलेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड, जिसको आप सिर्फ रजिस्टर करने के बाद भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे आपको जो है वर्कशॉप की जो डिटेल्स है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, कब कब हमारी जो वर्कशॉप होती है सर्टिफाइड वर्कशॉप होती है, इसके अलावा जो ऑनलाइन लाइव क्लासेस के एनालिसिस भी आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। इसके अलावा बहुत सारी डिफरेंट फैसिलिटीज है जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं हमारे एप्लीकेशन के अंदर, तो आपको उसकी डिटेलिंग जो है वहां पे आपको मिल जाएगी, और फ्री इलेक्ट्रिक व्हीकल का कोर्सेज का एक्सेस भी आपको वहां से मिल जाएगा, तो अगर आप कोर्सेज नहीं लेना चाहते पहले एनालाइज करना चाहते तो आपको वहां से भी जो है एक्सेस मिल जाएगा, राइट, हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन ऐप से। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं, राइट, जो कि है बैटरी पैरामीटर्स। तो यहाँ पे हमने अभी तक जो देखा टाइप ऑफ बैटरीज है ना, कितनी टाइप ऑफ बैटरीज थी, और टाटा नेक्सॉन की बैटरी पैक भी देखी, टाइप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट बैटरीज, लीड एसिड निकल बेस्ड सुपर कैपेसिटर, लिथियम आयन, जेब्रा बैटरी, फ्यूचरिस्टिक बैटरीज, जैसे सॉलिड स्टेट और लिथियम आयन, और आपके एल्यूमिनियम फ्यूल सेल भी हमने देखा। अब नेक्स्ट इज द बैटरी पैरामीटर्स, राइट। अब बैटरी पैरामीटर्स में आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दिस इज द पावर डेंसिटी। अब पावर डेंसिटी क्या होती है आपके बैटरी पैक के अंदर, बैटरी पैरामीटर्स में व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, व्हाट इज सेल्फ डिस्चार्ज रेट, नॉमिनल वोल्टेज, सी रेटिंग, लाइफ स्पैन, बैटरी कैपेसिटी, राइट, ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि बहुत बेसिक प्रिमिटिव पैरामीटर्स हैं, प्राइमरी पैरामीटर्स हैं। इसके अलावा जो आपके सेकेंडरी पैरामीटर्स दैट मीन्स द इंडस्ट्री रिलेवेंट पैरामीटर्स जो है ये इंडस्ट्रियल पैरामीटर्स हैं, और ये बेसिक पैरामीटर्स हैं जो कि हर एक बैटरी में होती है, राइट। अब इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, यहाँ पे हमने पिछले पिछले वीक में हमने लाइव सेशन में हमने ये चीज कवर की थी, राइट, एसओसी, व्हाट इज एसओसी, स्टेट ऑफ चार्ज, स्टेट ऑफ हेल्थ,
इसके अलावा डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, स्टेट ऑफ सिविलिटी, स्टेट ऑफ पावर, स्टेट ऑफ एनर्जी, स्टेट ऑफ फंक्शन, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर जो है वो है। अब आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द व्हाट इज द पावर डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन दैम, बिटवीन द पावर डेंसिटी एंड द एनर्जी डेंसिटी, राइट, वो भी हम लोग आज देखेंगे, राइट। अब आपको अगर इंटरेस्टेड है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, और ये आज का जो सेशन है ये आपका सर्टिफाइड सेशन है, राइट। अब इस सर्टिफाइड सेशन में जो है आपको जो आपको कमेंट सेक्शन में जो आपको देखने को मिलेगा, राइट, एक फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, आपको उस फॉर्म को फिलआउट करना है, राइट। जो जो भी उस फॉर्म को फिलआउट करेगा हम लोग उनको जो है सर्टिफिकेशन जो है आज के इस वर्कशॉप के फ्री पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट वो आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में मिल जाएगी, जो कि आप यहाँ पे आप हमें जो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक बार मैं एक बार देख लेता हूँ कमेंट में कुछ। दिस इज एरोडायनामिक शेप टू इंक्रीज स्पीड ऑफ व्हीकल्स, या इलेक्ट्रिकल डबल ई पवार, या एरोडायनामिक जो एनालिसिस होता है वो उसी का एनालिसिस होता है कि हाउ टू इंक्रीज द स्पीड, राइट। जो आप कभी भी आप गाड़ी चलाते हो, टू व्हीलर हो गई या फिर फोर व्हीलर हो गई, हमेशा जो है आपको एयर का रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा एक पर्टिकुलर स्पीड के बाद। अब उस जैसे कि कार के रिस्पेक्ट में जब भी देखना, जो हाई स्पीड कार्स होती है, तो हाई स्पीड कार का जो एरोडायनेमिक ड्रैग होता है बहुत ही ज्यादा कम होता है, क्योंकि उसको बहुत ही कम टाइम में बहुत ज्यादा स्पीड जो है उनको अटेन करनी पड़ती है, राइट। तो मैं एक बार फिर से मैं वहां पे जाता हूँ ताकि मैं थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ इस चीज को, है ना। जो पवार ने जो क्वेश्चन पूछा, राइट, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट, यहाँ पे जो ये एनालिसिस आपको दिख रही है, राइट, है ना, ये आपके जो स्पीड है, जो आपके एयर को जो काटते हुए चलती है जो आपकी गाड़ी, है ना, मैं उसको आपका प्रोजेक्ट भी एक बार जो है वो मैं दिखाना चाहूंगा। ये यहाँ पे देख, अब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, राइट, अब ये वाला जो आपको प्रोजेक्ट दिख रहा है ये है आपका एरोडायनेमिक ड्रैग का जो है वो प्रोजेक्ट, राइट। अब यहाँ पे जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है, दिस इज द विंड टनल, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं विंड टनल एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम लोग विंड की एनालिसिस करते हैं आपके आपके जो पूरी कार बॉडी है, राइट, उसके परफॉर्मेंस को देखने के लिए, राइट, कि वो एयर में एयर का कैसा रेजिस्टेंस वो जो है वो शो करता है, राइट। इसको हम लोग एक विंड एक टनल के अंदर रखते हैं और एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर स्पीड की जो हवा है वो पास करवाते हैं, ताकि हम लोग उसकी उसके पूरे कार आउटर स्ट्रक्चर को हम लोग एनालिसिस कर पाए, राइट। जो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक साइड से हमने जो है एक इनलेट है एयर का, एक साइड से आउटलेट है, और उसके अंदर हमारी जो है कार बॉडी रखी हुई है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड अ विंड टनल एक्सपेरिमेंट, है ना, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, दिस राइट। यहाँ पे आपको ये जो शो हो रहा है, ठीक है, ये जो यहाँ पे आपको शो हो रहा है, दिस इज अ विंड टनल एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे हम एक साइड से हवा पास करवा रहे हैं और दूसरे साइड से इनलेट है, एक साइड से इनलेट है, एक साइड से आउटलेट है, और उसके बीच जो है वो हमारा
जो है कार्बोहाइड्रेट राइट। और इसको जब हम लोग और आगे बढ़ते हैं और हम लोग इसका एंड रिजल्ट देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है राइट, यहाँ पे आपको स्पीड के काउंटर्स दिख रहे हैं डिफरेंट इन द डिफरेंट स्ट्रक्चर राइट। यहाँ पे जो एयर का जो एनालिसिस है यहाँ पे होता है कि कार बॉडी में किस स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है, कहाँ पे जो है जो हमारी गाड़ी की जो बॉडी है जहाँ पे ज्यादा सबसे ज्यादा जो है एयर का रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, तो इसकी एनालिसिस की जाती है और जिसके कारण स्पीड पे कार की स्पीड पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है राइट, वो भी जो है हम लोग उसका एनालिसिस इसके अंदर करते हैं राइट। अब मैं थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाता हूँ ताकि यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिले। हाँ राइट, सो दिस इज द वेलोसिटी मैग्नीट्यूड कॉन्टूर जिसमें आपको देखने को मिलेगा, जहां पे भी आपको रेडिश जो पोर्शन दिख रहा है सबसे ज्यादा रेडिश पोर्शन, वहां पे जो है जो आपका एयर है वो बहुत ही ज्यादा जोर से इम्पैक्ट कर रहा है, जहां पे आपके कार बॉडी में डायरेक्टली हिट कर रही है आपके एयर राइट। और जहां पे आपका थोड़ा सा ब्लूइश है वहां पे स्पीड जो है आपकी विंड की वो बहुत ज्यादा कम हो गई है। तो यहाँ पे देखो दो जगह सबसे ज्यादा इम्पैक्ट दिख रहा है, एक है आपके कार के बोनेट पे और एक है आपके रूफ पे राइट। सबसे बड़ा इम्पैक्ट वहीं पे है। अब मैं उसी चीज को बहुत ही ज्यादा कर्वी बनाऊंगा तो वही इम्पैक्ट जो है आपके विंड का वो है वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा राइट। एक रोबस्ट स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चर से अच्छा मैं जितना ज्यादा कर्वी बनाऊंगा अपने पूरे कार बॉडी को उतना ज्यादा मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। इसीलिए देखो F1 रेसेस की जो गाड़ियां हैं वो भी बहुत ज्यादा जो है इम्पैक्ट करती है राइट, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ग्राउंडेड होती है राइट, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज्यादा कम होती है और साथ ही साथ उसकी जो एयर रेजिस्टेंस है वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है। हाँ बिल्कुल बाबा जो आप बोल रहे हो, जैसे कि यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, मैं आपको एक आगे और भी दिखाऊंगा कि कैसे जो आपके कार का जो स्पॉयलर होता है राइट, वो सिर्फ डिजाइनिंग के लिए नहीं होता है, बहुत ही एक स्मॉल रोल होता है उसका कि कार के स्पीड को बढ़ाने का राइट। बहुत ही कम लोगों को ये पता होता है कि जो कार का स्पॉयलर है राइट, विच इज ऑल्सो यूज टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ योर व्हीकल राइट। वो कैसे, वो यहाँ पे जब आपको एनालिसिस करेंगे हम लोग राइट, वहां पे आपको दिखेगा कि कैसे वो कार कार को पुश करता है राइट, एयर को वो वापस से घुमा के एयर को मजबूर करता है कि वो कार को और आगे पुश करे ताकि वो और ज्यादा हेल्प मिले उसको और ज्यादा स्पीड अटेन करने में राइट। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है स्ट्रीमलाइन वेलोसिटी की, तो जैसे ही यहाँ पे देखो इस पोर्शन में आप देखो कि आपके स्पॉइलर के कारण जो है यहाँ पे जो एयर सामने से आ रही है वही वापस से घूम के आपके कार को पीछे से जो है वो पुश कर रही है आगे जाने के लिए। तो स्पॉइलर का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, इसीलिए जितने भी आप स्पोर्ट्स कार देखोगे F1 कार्स देखोगे वहां पे स्पॉइलर दिखेगा ही दिखेगा, भले ही वो कितना बड़ा हो भले ही वो कैसा भी दिखे, क्योंकि स्पॉइलर का बहुत ही एक बहुत मेजर इम्पैक्ट होता है जब भी आप अपने कार के स्पीड से ज्यादा राइट स्पेसिफिकेशन से ज्यादा अगर स्पीड आपको अटेन करनी है तो इसके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है राइट। इस एनालिसिस के थ्रू आपको यहाँ पे दिख जाएगा, देखिए यहाँ पे रोटेट होके ये कार बॉडी को पुश करता है व्हाइल योर कार इज रनिंग एट इन पर्टिकुलर स्पीड राइट। तो ये पूरा जो एनालिसिस है ये हम लोग एनसिस के अंदर करते हैं राइट। ठीक है चलिए अब आते हैं हम लोग अपने प्रोजेक्ट आज के टॉपिक राइट, द एनर्जी डेंसिटी। सो एनर्जी डेंसिटी इज द पैरामीटर of battery which is used to measure the energy storing capacity. ठीक है, energy storing capacity को show करने का तरीका होता है energy density कि कितना energy वो store कर सकता है right। अब यहाँ पे ये भी दो different types में आते हैं energy density, one is the gravimetric energy density, second is the volumetric energy density। अब gravimetric energy density को हम लोग बोलते हैं specific energy right, and it is the measure of how much energy a battery contains in the comparison to its weight right। तो इसका जो यूनिट है आपको यूनिट देख के यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा कि वॉट आवर
पर केजी, ठीक है, 1 किलोग्राम में कितना वॉट आवर एनर्जी जो है वो स्टोर करके रख सकता है, राइट? वॉट आवर इज नथिंग बट अ यूनिट ऑफ एनर्जी, है ना, राइट? तो यहाँ पे पर केजी के अकॉर्डिंग, राइट, मास के अकॉर्डिंग, जो आपके बैटरी के वेट के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे जो स्पेसिफिक एनर्जी है वो डिसाइड की जाती है. बट ऑन द अदर हैंड, व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूमेट्रिक एनर्जी डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक एनर्जी डेंसिटी इज ऑल्सो नोन एज द एनर्जी डेंसिटी. मतलब यहाँ पे जो आपको शो होगा, है ना, यहाँ पे इट इज अ मेजर ऑफ हाउ मच एनर्जी, हाउ मच एनर्जी अ बैटरी कंटेन इन कंपेरिजन टू इट्स वॉल्यूम, राइट? यहाँ पे आपने वेट पे बात की, ठीक है, और यहाँ पे आपने जो है, यहाँ पे जो है आपने वॉल्यूम पे बात की. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस. यहाँ पे हम वेट के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं कितना किस कितने किलोग्राम या कितने ग्राम के बैटरी पैक जो है कितना वॉट आवर जो है वो स्टोर कर सकती है. सेम अगर हम लोग वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में देखें कि इतना वॉल्यूम का है, मतलब इतने लीटर की जो बैटरी पैक है वो कितना वॉट आवर स्टोर कर सकती है, उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनर्जी डेंसिटी. तो आपकी जो एनर्जी डेंसिटी है वो आपके दो पार्ट में आती है, राइट? अब ये वॉल्यूमेट्रिक क्या चीज, ये जो है एनर्जी डेंसिटी किस लिए इंपॉर्टेंट होती है, ये इसलिए ये इंपॉर्टेंट होती है आपके बैटरी को सेलेक्ट करने के लिए कि कौन से बैटरी को चूज करना चाहिए, किसकी स्पेसिफिक एनर्जी कम है, किसकी स्पेसिफिक एनर्जी ज्यादा है, राइट? वो इंपॉर्टेंट तब आ जाता है जब मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल डिजाइन करता हूँ. कोई भी 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, सबको पता है कि बैटरी पैक जो है बहुत ज्यादा हैवी होती है. अब हैवी होती है, अब इसका मतलब है कि मैं उसकी एनर्जी, स्पेसिफिक एनर्जी कम होगी, दैट मीन्स ज्यादा ज्यादा वेट है बट वो एनर्जी कम स्टोर करके रख सकता है. सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपकी लीड एसिड बैटरी. इस केस में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपकी लीड एसिड बैटरी, जो कि बहुत ज्यादा हैवी होती है और एज कंपेयर टू देयर वेट, देयर वॉट आवर जो एनर्जी स्टोरिंग है अकॉर्डिंग टू द वेट, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स वेट, इज वेरी वेरी लो एज कंपेयर टू अदर बैटरीज, ठीक है? तो वो एक डिफरेंस आता है कि वेट के रिस्पेक्ट में कितना एनर्जी स्टोर कर सकती है, दैट इज द ग्रेविमेट्रिक एनर्जी डेंसिटी. एंड द वॉल्यूमेट्रिक एनर्जी डेंसिटी इज द हाउ मच वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम कंज्यूम करेगा और कितना एनर्जी वो स्टोर कर सकता है उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में. तो उसी अकॉर्डिंग मैं प्रिज्मेटिक बैटरी लूंगा या फिर सिलेंड्रिकल बैटरी लूंगा या फिर दूसरे शेप्स की बैटरी लूंगा, क्योंकि वेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब हम लोग ईवी की बात करते हैं, राइट? एनर्जी डेंसिटी की बात हो गई, देन द अनदर पैरामीटर इज द पावर डेंसिटी. अब पावर डेंसिटी क्या है? पावर डेंसिटी इज अ मेजर ऑफ पावर आउटपुट पर यूनिट वॉल्यूम, राइट? अब वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू लीटर और या फिर मास, राइट? अब यहाँ पे कितना वो पावर प्रोवाइड कर सकता है, राइट? वहां पे क्या था, एनर्जी डेंसिटी पावर डेंसिटी में बहुत एक बेसिक सा डिफरेंस है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इस चीजों में. एनर्जी डेंसिटी इज द एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ योर बैटरी पर लीटर और पर केजी, राइट? एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी. और पावर डेंसिटी इज द आउटपुट कि कितना ज्यादा आउटपुट दे सकता है, राइट? कितना पावर प्रोवाइड कर सकता है, राइट? दिस इज द पैरामीटर ऑफ द आउटपुट, राइट? तो इसीलिए यहाँ पे जो है इसका यूनिट जो आपको देखने को मिलेगा वॉट, वॉट्स पर लीटर या फिर वॉट्स पर केजी, राइट? एनर्जी डेंसिटी रिलेट्स टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन बी स्टोर्ड पर यूनिट, पर बैटरी, राइट? पर बैटरी यूनिट. वेयर एज पावर डेंसिटी रिलेट टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी डिस्चार्ज पर बैटरी यूनिट, ठीक? कितना दे सकता है पावर, वो है आपका पावर डेंसिटी. कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी एक साथ निकाल सकता है या फिर धीरे धीरे निकाल सकता है, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द पावर डेंसिटी ऑफ योर बैटरी पैक, राइट? राइट. अब यहाँ पे डिफरेंट बैटरीज के डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे आपके इस ग्राफ के थ्रू दिख रहा है, राइट? एनर्जी डेंसिटी वर्सेस पावर डेंसिटी. तो
तो सबसे अच्छा जो हम लोग को देखने को मिलता है, जिसकी एनर्जी डेंसिटी भी सही है, आप जिसकी पावर डेंसिटी भी सही है, दिस इज द लिथियम आयन बैटरी। और यहाँ पे लीड एसिड बहुत कम है, मीन्स जो कि बहुत ज्यादा हैवी होता है, बट बहुत ही आपका लो लो एनर्जी स्टोर करके रख सकता है, एज कम्पेयर टू निकल बेस्ड बैटरी, NiMH, NiCd और लिथियम आयन बैटरी। है ना, EDLC इज अ सुपर कैपेसिटर, राइट। और लिथियम आयन कैपेसिटर इज ऑल्सो सुपर कैपेसिटर विथ अ, बिकॉज कैपेसिटर इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करके रखता है, और जो नॉर्मल हमारी बैटरी है वो आपकी केमिकल एनर्जी स्टोर करके रखती है। एंड लिथियम आयन जो कैपेसिटर है वो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, इलेक्ट्रोस्टैटिकली और इलेक्ट्रोकेमिकली दोनों ही एनर्जी को स्टोर करके रख सकता है, विच इज अ पार्ट ऑफ अ सुपर कैपेसिटर, राइट। अब हम लोग थोड़ा सा और ब्रीफ में जाते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी डेंसिटी एंड द पावर डेंसिटी, राइट। और अगर कोई लोग नए जुड़े होंगे तो मैं उनको बता दूं कि दिस वर्कशॉप इज द फ्री सर्टिफाइड पार्टिसिपेशन वर्कशॉप, जिसमें आपको चैट बॉक्स में दिए गए फॉर्म को आपको फिल आउट करना है, तो उन्हीं स्टूडेंट्स को जो है आपको सर्टिफिकेशन जो है उनको प्रोवाइड की जाएंगी विद इन 1 or 2 days आफ्टर दिस वर्कशॉप, राइट। और उनके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे, जो ईमेल आईडी वो प्रोवाइड करेंगे, उन्हीं उसी ईमेल आईडी में जो है आपको वो सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन आपको मिलेंगे, राइट, आज के इस वर्कशॉप के, राइट। नाउ यहाँ पे हम लोग देखते हैं पावर एंड द एनर्जी डेंसिटी क्या होती है एक्चुअल में, राइट। अब यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है एक आपका बहुत बड़ा सा कंटेनर है, राइट, और एक यहाँ पे बहुत छोटा सा एक कप है, इन दोनों के अंदर क्या है, पानी भरा हुआ है, राइट। अब यहाँ पे आप इसको सोच लो कि ये एक बैटरी है, बैटरी पैक है, जिसकी एनर्जी डेंसिटी जो है, मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ, ऊपर लिखता हूँ, राइट। यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी, राइट, यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी एंड पावर डेंसिटी, बीच में लिख देता हूँ, दोनों दोनों ही रेस्पेक्ट में काम आ जाएगा, एनर्जी डेंसिटी, देन वन इज पावर डेंसिटी। ये एग्जाम्पल के बाद आपको क्लियर हो जाएगा दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जैसे कि दिख रहा है, दिस इज एज्यूम दैट दिस इज अ वन बैटरी पैक एंड दिस इज अनदर बैटरी, राइट। अब यहाँ पे देखो कि ये थोड़ा सा बड़ा है एज कम्पेयर टू मग, है ना, ये कंटेनर आपका थोड़ा सा बड़ा है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है आपकी एनर्जी, मतलब पानी ज्यादा स्टोर हो सकता है एज कम्पेयर टू आपका कप, है ना। तो यहाँ पे इसकी एनर्जी डेंसिटी क्या है, हाई है ना, इन दोनों के कंपैरिजन में, है ना, अभी सिर्फ इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है आपकी एनर्जी डेंसिटी हाई है इसके रेस्पेक्ट में, है ना, यहाँ पे, और इसकी पावर डेंसिटी जो है वो क्या है वो हम लोग बात करते हैं, पहले पहले इसका देखते हैं। अब यहाँ पे पानी कितना स्टोर कर सकता है मग, बहुत ही कम, है ना, थोड़ा सा ही पानी स्टोर कर सकता है एज कम्पेयर टू दिस बैटरी, है ना। पानी क्या है आपका, एनर्जी कितना स्टोर कर सकती है बैटरी, उसके रेस्पेक्ट में मैं बता रहा हूँ, उस एनोलॉजी के हिसाब से, आप एनोलॉजी समझिए, ठीक है, क्रोनोलॉजी समझिए आप, राइट। तो यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी जो है वो यहाँ पे आपकी हाई है, क्योंकि ये वाला जो कंटेनर है वो ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो स्टोर करके रख सकता है। अब ये जो आपका पावर है यहाँ पे, ये जो छोटा सा जो आपका कप है वो आपका बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ जो है पानी वो स्टोर करके रख सकता है, तो यहाँ पे क्या है इसकी एनर्जी डेंसिटी लो है एज कम्पेयर टू दिस बैटरी। अब यहाँ पे पावर डेंसिटी की जब बात आती है, तो पावर डेंसिटी क्या देखा था हमने, कि क्या देखा था कि पावर आउटपुट पर यूनिट वॉल्यूम क्या था, पावर डेंसिटी रिलेटेड टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी डिस्चार्ज पर बैटरी यूनिट, और एनर्जी डेंसिटी रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी स्टोर्ड पर बैटरी यूनिट। अब यहाँ पे ये एनर्जी डेंसिटी तो हमने यहाँ पे डिफाइन कर ली कि इसकी हाई है,
और इसकी लो है क्योंकि ये ज्यादा पानी स्टोर कर सकता है, ये कम पानी स्टोर कर सकता है। अब यहाँ पे देखो नोजल है ना, ये यहाँ पे आपको पानी जो है धीरे धीरे जा रहा है क्योंकि यहाँ पे इसका नोजल छोटा है, आप पूरा उल्टा भी कर दोगे तो तुरंत खाली नहीं होगा, ठीक, धीरे धीरे खाली होगा क्योंकि यहाँ पे नोजल छोटा है और जो कंटेनर अंदर जो पानी है वो बहुत ज्यादा है। दैट मीन्स इसका जो पावर डेंसिटी है, जो कि एनर्जी डिस्चार्ज करने वाली जो बात है, राइट, वो लो है। और यहाँ पे क्या है, कप के कंपैरिजन में कप तुरंत ऐसे आप उल्टा करोगे तो पूरा का पूरा जो पानी है वो निकल जाएगा। दैट मीन्स इंस्टेंटेनियसली पूरा का पूरा एनर्जी जो है वो डिस्चार्ज कर सकता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो आपका पावर डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा हाई है क्योंकि अपना जितना फास्ट आप जो है एनर्जी को वो डिस्चार्ज कर सकता है उतना आपका पावर डेंसिटी हाई रहेगा, और जितना धीरे धीरे डिस्चार्ज करेगा उतना इसका पावर डेंसिटी जो है वो लो रहेगा। एंड सेम उसका अपोजिट होता है आपका एनर्जी डेंसिटी, राइट। और सबसे आइडियल बैटरी वही होती है जिसका नोजल बड़ा हो और साथ ही साथ जिसका कंटेनर बड़ा हो, जिसमें ज्यादा पानी स्टोर हो सकता है और जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ जो पावर है वो भी डिस्चार्ज हो सकता है। दैट इज द वन आइडियल बैटरी पैक, राइट। अब यहाँ पे भी जो है ये पैरामीटर्स जो है, ये दोनों पैरामीटर्स बहुत ही बेसिक पैरामीटर्स हैं, बट किसी भी बैटरी को किसी भी डिवाइसेस के लिए सेलेक्ट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो कैसे, फॉर एन एग्जाम्पल फोन, ठीक है, मोबाइल फोन ले लेते हैं, राइट। अब मोबाइल फोन में मुझे तो एक बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी नहीं, राइट, बट मैं यही चाहूंगा कि अगर हम मैं अगर मोबाइल लेने जा रहा हूँ तो वो कितना कितना देर तक चलेगी, राइट, 500 5000 mAh, 6000 mAh, और कितना बैटरी बैकअप मुझे मिलेगा। तो उस केस में मेरे मोबाइल के अंदर कुछ ऐसा हैवी डिवाइसेस नहीं लगे हैं कि जिसके लिए बहुत ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट हो, है ना। तो उस केस में मैं क्या, कौन सी बैटरी चूज करूंगा जिसकी बैटरी जिस बैटरी की एनर्जी डेंसिटी क्या है हाई है, उस केस में मैं जो है वैसी बैटरी चूज करूंगा जिसकी एनर्जी डेंसिटी हाई है अपने मोबाइल फोन्स में यूज करने के लिए ताकि लंबे टाइम तक वो चलते रहें। सेम वैसी अगर हम लोग पावर डेंसिटी के लिए बात करेंगे तो वो मेरी मेरे मोबाइल फोन्स के लिए आइडियल नहीं है, मेरे लैपटॉप्स के लिए आइडियल नहीं है, राइट, क्योंकि मोबाइल फोन्स के लिए क्या चाहिए, लॉन्गर लाइफ टाइम चाहिए, ठीक है, लॉन्गर लाइफ होनी चाहिए आपके बैटरी पैक की, कि एक वन सिंगल चार्ज में जितना ज्यादा लंबा चल सके उतना ज्यादा वो बैटरी पैक मेरे लिए अच्छी है क्योंकि वहां पे पावर की, ह्यूज पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेम वैसे ही अगर मैं एक और एग्जांपल दूं ट्रिमर का, ठीक है, ट्रिमर एक पावर पावर टूल है, राइट, जिसमें हम लोग यूज करते हैं आपकी निकल बेस्ड बैटरीज, ठीक है, मोस्टली NIMH बैटरीज, निकल कैडमियम बैटरीज, और निकल कैडमियम इज वेल सुटेड बिकॉज देयर पावर डेंसिटी इज वेरी हाई एज कम्पेयर टू द लिथियम आयन बैटरी। तो उस केस में क्या है, ट्रिमर में अभी जब भी आप बहुत दिन अगर अपना ट्रिमर रखे रहोगे तो आपको यूज करने से पहले आपको बहुत देर तक उसको चार्ज करना पड़ता है, राइट, अगर आपके पास वायरलेस ट्रिमर है तो, राइट। और वो क्यों, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूअसली आप अपने ट्रिमर को यूज कर रहे हो, राइट, आप बस चालू करके आप बस घुमा रहे हो तो थोड़े टाइम के बाद जब आप देखोगे तो उसका जो ब्लेड्स की जो स्पीड है वो धीरे धीरे जो है वो कम होते चले जाती हो, राइट। उसके बाद क्या करते हो आप, फिर बंद करते हो, फिर थोड़ी देर बाद फिर से चालू कर देते हो तो फिर वापस से वो ब्लेड जो है वो अपने ओरिजिनल स्पीड पे, हाई स्पीड पे चलना चालू हो जाते हैं। तो उस केस में मैं कौन सी बैटरी लूंगा जिसकी पावर डेंसिटी जो है वो बहुत ज्यादा हाई है, राइट, बट उस केस में क्या है, मेरी जो एनर्जी डेंसिटी है वो उन बैटरीज की जो है वो लो है। दैट मीन्स मुझे शॉर्ट लाइफ मिलेगा, ठीक है, बैटरी जो मेरी लंबे समय तक नहीं चलेगी बट हैवी डिस्चार्ज करेगी, हैवी डिस्चार्ज करेगी, है ना, और यहाँ पे जो है वो लो डिस्चार्ज होता है, राइट। ये एक बेसिक सा जो है वो डिफरेंस है विथ जो हमने दो एग्जांपल के थ्रू देखा, मोबाइल फोन्स जिसमें मैं एनर्जी डेंसिटी जिसकी हाई है वैसे बैटरीज को चूज करूंगा, और ट्रिमर जिसमें जिसमें मुझे पावर ज्यादा मिले
जिसकी पावर बैटरी पावर डेंसिटी ज्यादा हो मैं वैसी बैटरीज को चूज करूंगा, और जिसकी एनर्जी डेंसिटी ज्यादा है मतलब लिथियम आयन बैटरी सबसे ज्यादा जिसकी जो एनर्जी डेंसिटी वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर बैटरी, और यहाँ पे जिसकी पावर डेंसिटी ज्यादा होती है वो है आपका निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी NIMH और निकल कैडमियम बैटरी NICD, ठीक है। और जो कि आपके डिजिटल डिजिटल कैमरास में भी यूज होते हैं बहुत ज्यादा, और वो इसलिए होते हैं क्योंकि आपके फ्लैश लाइट्स वहां पे होते हैं, और फ्लैश लाइट्स के लिए बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बहुत ज्यादा करंट की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो फ्लैश प्रोड्यूस कर सके। तो उस केस में मुझे कौन सी बैटरी चाहिए जिसकी पावर डेंसिटी ज्यादा हो, ठीक है, जो कि बहुत कम टाइम में बहुत ही हाई एनर्जी जो है वो डिलीवर करता है कर पाए डिस्चार्ज कर पाए। वही चीज अगर मैं हायर एनर्जी डेंसिटी वाली बैटरी यूज करूंगा तो मुझे जो है उसका उतना अच्छा आउटपुट नहीं मिलेगा। तो ये ऐसे जो है हम लोग अपनी बैटरीज को सेलेक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर डिवाइसेस के लिए, एज अ मैन्युफैक्चरर जो है वो भी ऐसे ही सेलेक्ट करते हैं कि मुझे लॉन्गर रेंज चाहिए या फिर मुझे पावरफुल परफॉर्मेंस चाहिए, राइट। मैं मुझे रेंज से मतलब नहीं है बट मुझे परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, तुरंत 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में पहुंच जाए मेरी गाड़ी, जब मुझे पावर चाहिए रहेगी तब मैं पावर डेंसिटी जिसकी हाई है वैसी बैटरीज को चूज करूंगा। और फॉर एन एग्जाम्पल टाटा नेक्सॉन जो कि परफॉर्मेंस के लिए बहुत पॉपुलर है कि रेंज उसकी बहुत अच्छी है, राइट, उस केस में मैं जो है वो एनर्जी डेंसिटी जिस बैटरी की ज्यादा है मैं उस बैटरी को जो है वो चूज करूंगा, राइट। तो ये एक बेसिक सा पैरामीटर है जो आज हमने डिस्कस किया, राइट। एंड आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, राइट। इसके अलावा हम लोग आने वाले भी वर्कशॉप में और भी डिफरेंट पैरामीटर्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे, फॉर एन एग्जाम्पल नॉमिनल वोल्टेज, बैटरी कैपेसिटी क्या होती है, राइट। और यहाँ पे कुछ और टॉपिक जो है वो हम लोग जो है आने वाले जो वर्कशॉप्स हैं उसमें हम लोग एक एक करके ये सारी चीजें जो है वो डिस्कस करते जाएंगे। जो आज हमने जो डिस्कस किया दैट इज द यहाँ पे हमने टाइप ऑफ बैटरीज देखी और जो कि हमने पिछले वर्कशॉप में भी की थी, और यहाँ पे हमने आज दो पैरामीटर्स देखे, कुछ प्रोजेक्ट्स देखे, राइट, और कुछ अपॉर्चुनिटीज देखी जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में आने वाली है। तो अगर आप भी रेडी हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में जॉब पाने के लिए तो आज आप हमारे जो है आज की जो वर्कशॉप है उसकी तो आप सर्टिफिकेशन तो आप ले ही लो, वो तो आपके काम आएगा ही, जिसके लिए आपको फॉर्म जो है हमारे जो चैट में आपको देखने को मिल जाएगा आप उसको फिल आउट कर दीजिए, और जो है आपको सर्टिफिकेशन जो है आज के इस वर्कशॉप की वो आपको आपके जो आप ईमेल आईडी प्रोवाइड करोगे आपको उसमें मिल जाएगा। और ध्यान रखिएगा जो आप नाम वहां पे मेंशन कर रहे हो वो आप सही मेंशन करो, क्योंकि उसी नाम का आपको जो है सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो आज हमने दो टॉपिक पढ़ा, पावर डेंसिटी एनर्जी डेंसिटी, इसके अलावा क्या अपॉर्चुनिटीज हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में, राइट, आने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में वो भी हमने आज डिस्कस किया, राइट। और हम आप अगर आपको और ज्यादा सीखना है और प्रोजेक्ट करने हैं तो आप हमारे जो कोर्सेस हैं उसमें आप एनरोल हो सकते हैं, जिसमें आप जो है हमारे डिजाइन एंड डेवलपमेंट कोर्सेज की जो है आप डिटेल्स जो है वो आप देख सकते हैं हमारे एंड्रॉयड ऐप से, राइट। तो आप लोगों का जो है गूगल गूगल प्ले स्टोर से जो है आप हमारा ऐप जो है इंस्टॉल कर सकते हैं इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स, आपको चैट बॉक्स में भी उसका लिंक जो है आपको मिल जाएगा, आप यहाँ पे रजिस्टर साइन अप कर लीजिए, जहाँ पे आपको फ्री कोर्सेज भी कुछ हैं जो आपको प्रोवाइड किए गए हैं, राइट, फ्री इलेक्ट्रिक व्हीकल कोर्सेज जिसका आपको फ्री एक्सेस है। साथ ही साथ हमारी प्रीवियस वर्कशॉप जो हमने हुई है, आने आने वाले टाइम में जो वर्कशॉप होने वाली है उसकी भी डिटेलिंग आपको वहां पे मिल जाएगी। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल व्हाट्सएप ग्रुप और आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो है उससे भी आप जो है वो जुड़ जाइए ताकि आपको आने वाली जो हाउ टू बिकम एन इलेक्ट्रिक व्हीकल इंजीनियर, हाउ टू बिकम एंड ईवी इंजीनियर, राइट, ये जल्द ही हमारे जो है जो यूट्यूब चैनल पे हम लोग जल्द ही ये एक सीरीज करने वाले हैं हाउ टू बिकम एन इलेक्ट्रिक व्हीकल इंजीनियर, जिसमें हम आपको प्रोजेक्ट से लेके बेसिक टॉपिक्स तक
हम लोग जो है हर दिन लाइव आके हम लोग इस जो है कैटेगरी के अंदर हम लोग आपको बताएंगे, राइट। एंड क्या इम्पोर्टेंस है इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री की, और क्या इम्पोर्टेंस है सॉफ्टवेयर की, क्या रिक्वायरमेंट है आपकी स्किल, किस स्किल्स की रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू द फीडबैक दैट वी गेट फ्रॉम द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स फ्रॉम आवर सेशन, जो कि आप हमारे प्लेटफॉर्म में आके टॉपिक इंडस्ट्री एक्सपर्ट सेशन आप देख सकते हो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे, राइट। जहाँ पे आपको एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या स्किल सेट होना चाहिए आपका, वो आपको देखने को मिलेगा। एंड राइट, एज एन कोर इंजीनियरिंग स्टूडेंट आपको ये सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि आईटी इंडस्ट्री के अलावा भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, क्योंकि अभी स्विच कर रही है फ्रॉम आईसी इंजन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सो दिस ट्रांजिशन इज हैपनिंग आफ्टर 100 ईयर्स, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर ऑल ऑफ द कोर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स दैट यू शुड आस्क योर सेल्फ हाउ टू बिकम एन ईवी इंजीनियर, राइट। एंड स्टे ट्यून्ड विद अस थ्रू अवर ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अवर व्हाट्सएप ग्रुप, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं, राइट। और हमारे आप यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी के जो कंटेंट्स हैं, राइट, फ्री के कंटेंट्स हम जितना कोशिश करेंगे, जितना आपको प्रोवाइड कर सके उतना हम लोग प्रोवाइड करें। और अगर आपको और अच्छे से ट्रेनिंग करनी है इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर, कोर्सेस कोर्सेस में प्रोजेक्ट्स करने हैं, और इन डीप, अभी तो मैं बहुत ही बेसिक चीजें बता रहा हूँ यहाँ पे फ्री वर्कशॉप्स में, और इसके अलावा हम लोग बहुत ही ज्यादा अंदर जाके हर एक चीजें पढ़ते हैं, जो हमारे हमने कोर्सेज में जो कोर्सेज जो डिजाइन किए हैं, राइट, जिसमें हम लोग एरोडायनेमिक ड्रैग, रोलिंग रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल पावर ट्रेन एंड एनालिसिस, राइट, वो सारी चीजें जो है हम जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं, राइट, हमारे ये पूरे कोर्सेज में, राइट। तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे वे जो है आपको देखने को मिल जाएगा, है ना, बाकी सारी चीजें, राइट। सो दिस इज अवर सिलेबस, राइट। यहाँ पे आपको सिलेबस में आपको देखने को मिल रहा है, राइट, व्हीकल डायनेमिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल पावर ट्रेन, टाइप ऑफ बैटरी एंड इट्स पैरामीटर, मोटर कंट्रोलर, चार्जिंग टेक्नोलॉजी, बीएमएस, डीएसकेटिया सॉफ्टवेयर एंड द सॉलिड वर्क टूल्स। यहाँ पे दिस इज द होल करिकुलम दैट वी हैव डिजाइन फॉर हाउ टू बिकम एन ईवी इंजीनियर, इलेक्ट्रिक व्हीकल डिजाइन डेवलपमेंट कोर्स, जो कि आपका 6 मंथ का कोर्स होता है, जिसमें हम लोग 100% लाइव ऑनलाइन क्लासेस विद द रिकॉर्डेड लेक्चर जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, एंड दिस सिलेबस इज टोटली इंडस्ट्री रिलेवेंट करिकुलम, जो हमने एक्सपर्ट से जो है कंसर्न करके जो बनाया है, राइट, जो कि आपको यहाँ पे कुछ रोल्स भी दिख रहे हैं आपको, जॉब रोल्स, है ना, राइट, जो यहाँ पे आपको कुछ कोर्सेज दिख रहे हैं, राइट, यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे जॉब रोल्स हैं, राइट, जो कि आप इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको यहाँ पे मिलेंगे कुछ हमारे पार्टनर्स हैं, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज आपको कहाँ कहाँ मिल सकती है, और किन किन लोगों से हमने टॉक सेशन किए हैं, राइट, कुछ सीईओ फाउंडर्स के जो मैंने आपको फोटोज दिखाई भी, जिसमें से हमने कुछ यहाँ मेंशन किए, कुछ यहाँ मेंशन किए, इसके अलावा आपको हमारे YouTube चैनल में आपको बाकी के जो प्लेलिस्ट है वो पूरी मिल जाएगी, और क्या क्या सॉफ्टवेयर का हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे आपको दिख रहा है, राइट। इसके अलावा हम लोग जो है ई पोर्टफोलियो पे वर्क करते हैं, जो जितने भी आप यहाँ पे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उस प्रोजेक्ट्स को हम लोग आपको पोर्टफोलियो, जो कि एक बहुत ही प्रोफेशनल वे है आप अपने काम को दिखाने का, अपने प्रोजेक्ट्स को शोकेस करने का, हम लोग ई पोर्टफोलियो के थ्रू करते हैं। देन रिज्यूम बिल्डिंग क्लासेस भी होती है, बिकॉज रिज्यूम बिल्डिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट इज द फर्स्ट इंट्रैक्शन ऑफ यू विथ योर रिक्रूटर, सो हम लोग हर एक स्टूडेंट का जो है हम लोग रिज्यूम बिल्ड भी करवाते हैं, साथ ही साथ इंटरव्यू प्रिपरेशन भी करवाते हैं, बिकॉज दैट इज द मेन थिंग दैट जो आप
टेक्निकल नॉलेज तो ले लोगे, बट अगर टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ अगर आप उस चीजों को अच्छे वे में आप प्रेजेंट नहीं कर पाओगे इंटरव्यू के अंदर, सो बहुत ही आपको फिर बहुत ज्यादा ड्रॉबैक होगा, है ना। तो ईशान साली बोले जिन लोगों ने पिछली वर्कशॉप में फॉर्म फिल किया था उनको इस बार फॉर्म शो नहीं हो रहा है। अच्छा तो ओके, तो ईशान हमारी टीम जो है आपको रीच आउट करेगी, है ना। आपको जो इशू आ रहा है, आपको सर्टिफिकेशन आई थिंक पिछले वर्कशॉप का मिल गया होगा, इस वर्कशॉप का भी आपको मिल जाएगा, है ना। हमारी टीम ने देख लिया होगा आपका ये कमेंट, है ना। ओके, थैंक यू सूरज मगर। आई होप कि आपको ये सेशन जो है बहुत इंपैक्टिव लगा हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव हो, आप यहाँ से कुछ सीख के गए होंगे। दैट इज आवर मेन मोटो कि आप आईटी इंडस्ट्री के अलावा भी आप अपने अपने फील्ड से रिलेटेड क्या अपॉर्चुनिटीज आने वाली है उस बारे में अवेयर रहे। वही हमारा मेन मोटो है कि आप लोगों को आने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में, आने वाले फ्यूचर एक ह्यूज जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको पता हो, राइट। वही हमारी कोशिश है कि आप लोगों को जितना ज्यादा हम लोग प्रोवाइड कर सकें आप भी में उतना ज्यादा हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हम भी इतना ज्यादा हम भी फ्री कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते, राइट। तो इसीलिए हमने जो है वो यहाँ पे हमारा हमने एक अलग से कोर्सेज डिजाइन किए जो कि एक्चुअली सीरियस है, जो भी स्टूडेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने के लिए, तो वही है जो हमारे साथ जुड़ते हैं और हम उनके ऊपर एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, राइट। उनको हमारे जितने भी कनेक्शन है, जितने भी सीईओ एंड फाउंडर के साथ हमने टॉप सेशन किया है, उनको वहां पे डायरेक्टली जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करके, राइट। दैट इज अवर मेन मोटो। ये जो भी करिकुलम यहाँ पे डिजाइन हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ जॉब ओरिएंटेड ही है, कि सब मेन मोटो हमारा यही है कि आपको स्किल्स प्रोवाइड करके जॉब रेडी बनाना, राइट। तो यहाँ पे जितने भी आप इन डिटेल, आपको ये हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में आपको देखने को मिल जाएगा, आपको ये वहां से आप जो है सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं जो मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में आप जब जाओगे इलेक्ट्रिकल डिजाइन एंड डेवलपमेंट कोर्सेज में, तो आपको वहां पे उसके करिकुलम में आप ये सिलेबस जो है वो डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो कि क्या क्या प्रोजेक्ट और क्या क्या टॉपिक्स जो है वो हम लोग कवर करने वाले हैं हमारे इस इलेक्ट्रिक व्हीकल डिजाइन एंड डेवलपमेंट कोर्सेज में, क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं और पूरे के पूरे इंडस्ट्री रिलेवेंट प्रोजेक्ट्स हैं। हमने कोशिश की है कि हम ऐसे पैरामीटर्स ले जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टाटा नेक्सॉन के स्पेसिफिकेशन का यूज करके हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट डिजाइन किया है, राइट। पिरेली टायर का यहाँ पे यूज कर, पिरेली टायर के पैरामीटर का हमने यहाँ पे यूज करके एरोडायनेमिक ड्रैग, रोलिंग रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक व्हीकल यहाँ पे डिजाइन, यहाँ पे इसका प्रोजेक्ट बनाया है, राइट। साथ ही साथ यहाँ पे रिवोल्ट आरवी, होंडा ई के मोटर्स, हिताची एंड ह्युंडई के मोटर्स के बारे में हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाया है जिसका पैरामीटर्स हमने यहाँ पे यूज किया है। देन एमेरॉन लीड एसिड बैटरी, पैनासोनिक बैटरी, सैनियो बैटरी, टेस्ला बैटरीज के स्पेसिफिकेशन, सैमसंग एसडीआई बैटरी के स्पेसिफिकेशन का यूज करके यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट बनाया है। तो जितने भी यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे, सेल्फ बैलेंसिंग, टेस्ला कूलिंग सिस्टम का एनालिसिस और उसका मॉडलिंग किया है, तो यहाँ पे जितने भी आपको प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे वो पूरे के पूरे एक एक्चुअल पैरामीटर्स, एक एक्चुअल डिवाइसेस के स्पेसिफिकेशंस को यूज करते हुए हमने डिजाइन किया है जो कि इंडस्ट्री रिलेवेंट, और यही जो है वो रिक्रूटर भी देखना चाहते हैं, राइट। वायरलेस चार्जिंग स्टे, वायरलेस चार्जिंग सिस्टम ऑफ BMW 530 हाई परफॉर्मेंस, उसके साथ साथ सॉलिड वर्क और केटिया के कुछ बेसिक प्रोजेक्ट्स भी हैं, तो सिमुलेशन और आपका जो डिजाइनिंग और सिमुलेशन दोनों सॉफ्टवेयर के आपके पास नॉलेज होती है, आपने कुछ बेसिक प्रोजेक्ट पता आपने किए हैं और आपको बेसिक आइडिया है दोनों ही सॉफ्टवेयर के बारे में, तो दैट इज मोर देन इनफ टू बी सिलेक्टेड इन टू द इंडस्ट्री, राइट। और वही मेन इंपॉर्टेंट बात कि कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, या सो पावर सर अभी टाटा कंपनी कुछ सालों में नया मॉडल आने वाले हैं, हाँ बहुत सारे नए मॉडल्स आने वाले हैं, सियारा ईवी, राइट। हाँ टाटा सियारा ईवी और आपका टाटा अविनिया, राइट, वो तो है ही, टिगोर ईवी आ चुकी है, राइट। टाटा नेक्सॉन के बहुत सारे ब्रांड आ चुके हैं, इनफैक्ट हैरियर ईवी भी आ चुका है, राइट, टाटा हैरियर ईवी,
राइट, जो कि अभी 2024 या 2025 में जो है वो रोड में हिट करने वाली है, राइट। तो उनके लिए भी जो नए प्रोजेक्ट्स जब भी आते हैं, नई गाड़ियां आती है, तो भाई नए हाँ नई नए लोगों की भी रिक्वायरमेंट होती है, राइट। जैसे कि स्पोर्ट्स टाइप ईवी फ्लैट व्हीकल्स, बिल्कुल। आप टाटा अविनिया को देख लीजिए, बहुत ही स्पोर्टी लुक है, बहुत ही आप देखोगे तो लगेगा ही नहीं कि आप टाटा की गाड़ी है, इंडिया इंडिया की गाड़ी है। सेम वैसे ही आप महिंद्रा की भी गाड़ी देखिएगा, जो कि महिंद्रा की बटिस्टा, राइट, जो कि महिंद्रा ने एक्वायर की है एक कंपनी को, जिस कंपनी का नाम है मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, जिसका कार का नाम मुझे याद है, महिंद्रा पैरेंटल कंपनी है, इटली की कंपनी है वो, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा नाम है, बटिस्टा नाम है गाड़ी का। वो देखोगे तो आपको लगेगा कि इसके सामने कोई गाड़ी टिक ही नहीं सकती, राइट। और वो पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में है, राइट। बल्कि तो होगा ही पवार, इलेक्ट्रिकल डबल ही पवार, क्योंकि बैटरी पैक हैवी होती है, राइट। तो बल्कियर मॉडल को बनाना उनका एक नेसेसिटी है, राइट। बल्कियर मॉडल है, जितनी ज्यादा बैटरी पैक हैवी रहेगी, अब बैटरी पैक बड़ा होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको एक पर्टिकुलर रेंज आपको देखने को मिलेगा, है ना। अब बैटरी पैक हैवी है तो आपको उस अब इतना हैवी बैटरी पैक है तो कार भी थोड़ी सी बल्कियर होगी, इसलिए टाटा नेक्सॉन ही है जो सबसे पहले, टाटा ने उसी के अंदर जो है ईवी को पहले लॉन्च किया, राइट। तो बल्कियर तो थोड़ा सा होता ही है इलेक्ट्रिक व्हीकल, राइट, क्योंकि बहुत बहुत बड़ी बैटरी पैक होती है, बहुत हैवी बैटरी पैक होती है, राइट, ईवी की। आप सिर्फ एक लीड एसिड बैटरी को उठा के देखो, है ना, छोटी सी ही सही, आप अपनी गाड़ी की लीड एसिड बैटरी उठा के देखो, बहुत छोटी सी होती है, बट आप उठाने जाओगे उस साइज के हिसाब से बहुत ज्यादा हैवी होती है। यूपीएस उठाओ, है ना, यूपीएस देखो कितना देर, आधा घंटा 1 घंटा मैक्सिमम से पावर बैकअप देगी किसी पीसी को, बट वो हैवी कितनी होती है, तो हैवी वेट के अकॉर्डिंग उसकी जो पावर एनर्जी डेंसिटी है वो बहुत ही ज्यादा कम होती है, राइट। तो उस केस में क्या है, वो उसकी एनर्जी डेंसिटी बहुत ही ज्यादा लो है, क्योंकि वेट बहुत ज्यादा है और वेट के अकॉर्डिंग जो है वो उसकी एनर्जी जो है वो प्रोवाइड बहुत ही ज्यादा कम करती है, तो इसीलिए ये सारे पैरामीटर्स को बहुत ज्यादा ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि बल्कियर होने से रोकने के लिए ही जो है एनर्जी डेंसिटी, पावर डेंसिटी, इसके अलावा और भी बहुत सारे पैरामीटर्स है जिसको ध्यान में रख के बैटरी को चूज किया जाता है कि कौन सी बैटरी यूज की जाए ईवी के अंदर, राइट, कि हैवी भी ना हो, अगर हैवी है तो रिस्क लेने के लिए रेडी है ईवी इंडस्ट्री, बट हैवी है तो उसके अकॉर्डिंग उसको एनर्जी भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर मैं लीड एसिड बैटरी का ईवी बनाने जाऊँ तो भाई गाड़ी इतनी भारी हो जाएगी कि मोपेड की 30 स्पीड में चलेंगी, है ना। तो इसीलिए ये सारे पैरामीटर्स को पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक। तो अगर आप लोग क्यूरियस हैं, जाना चाहते हैं, जॉब पाना चाहते हैं और इंडस्ट्री रिलेवेंट, जॉब रिलेवेंट अगर चीजें पढ़ना चाहते हैं, तो आपका बिल्कुल वेलकम है हमारे पीजी प्रोग्राम में, इलेक्ट्रिक व्हीकल डिजाइन एंड डेवलपमेंट कोर्सेज से। तो ये सिलेबस जो है आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगी, है ना, वहां पे आप स्क्रॉल करेंगे नीचे तो आपको मिल जाएगी, और इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे कोर्सेज भी हैं, सर्टिफाइड कोर्सेज हैं, बट यहाँ पे हम लोग जो है इस कोर्सेज में स्पेशली हम लोग जो है सिर्फ जॉब ओरिएंटेड जो चीजें हैं वो पढ़ाते हैं, ताकि आपको इंडस्ट्री रेडी बना सके, क्योंकि हमें जितने भी हमारे अलाइड पार्टनर्स हैं, जितने भी हम जिनसे भी जुड़े हुए हैं, जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री से के एचआर से, तो हमें उनको इसके कैंडिडेट्स प्रोवाइड करना हमारी हमारी भी जरूरत है, राइट। हमें भी अच्छे स्टूडेंट चाहिए जो कि चीजें समझे, सीखे और हम लोग उनको प्लेसमेंट दिलाए, क्योंकि आपको भी हम लोगों को स्किल्स देना है और इंडस्ट्री में भी हमें अच्छे कैंडिडेट्स प्रोवाइड करना है, इससे हमारी भी रिलेशनशिप स्टूडेंट्स के साथ अच्छी बनती है और इससे हमारी रिलेशनशिप कंपनीज के साथ भी अच्छी बनती है। या लिथियम आयन बैटरी इज बेस्ट फॉर इलेक्ट्रिकल एज ऑफ नाउ, अभी लिथियम आयन बैटरी का ऑल्टरनेटिव अभी कुछ नहीं है, अभी लिथियम आयन बैटरी ही सबसे ज्यादा चल रही है वैसे, बट लिथियम आयन बैटरी
ज्यादा देर तक रहेगी वो बता नहीं सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा R&D चल रहा है बैटरी पे और बहुत नई नई टेक्नोलॉजी आने वाली है आने वाले टाइम में। तो सिर्फ लिथियम आयन पे ही डिपेंडेंट रहेगी ऐसा जरूरी नहीं है। आपको फ्यूल सेल्स भी देखने को मिलेगा, सोडियम आयन बैटरीज भी आपको देखने को मिलेगी, एल्यूमिनियम एयर सेल्स भी आपको, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स भी आपको देखने को मिलेंगे, सॉलिड स्टेट बैटरीज भी मिलेंगी। तो बहुत सारी जो है टेक्नोलॉजी जो है आने वाले टाइम में आने वाली है, क्योंकि ये अभी सिर्फ स्टार्ट हुआ इंडिया के अंदर। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि ईवी इंडस्ट्री इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट आईटी इंडस्ट्री। जितना आईटी इंडस्ट्री जॉब प्रोवाइड कर रही थी उतना ही कुछ दिनों में आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री भी वैसे ही जॉब प्रोवाइड करेगी, बट ऐसे स्टूडेंट को ही करेगी जिनको बेसिक नॉलेज होगी, राइट। जो प्रोजेक्ट्स इंडस्ट्री रिलेवेंट प्रोजेक्ट्स जिन्होंने किए होंगे, राइट। तो इसीलिए हम भी वैसे ही लोगों को जो है वो तैयार करना चाहते हैं, ताकि स्टूडेंट को खुद से ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू कंसाइज वे में एक्यूरेट चीजें जाए, राइट। ठीक है, तो ठीक है, तो हम लोग आज का जो सेशन है वो हम लोग एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को जो है आज का सेशन बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगा होगा और कुछ चीजें जो है आपने आज सीखी होंगी, राइट। ये हमारा मेन मोटो है आप लोगों के साथ जुड़ने का हर वीकेंड में। तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम लोग वीकेंड में जो है लाइव आते रहते हैं, राइट। और इन बिटवीन भी अगर आप हम लोग आते हैं फ्री फ्री के कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो आपको उसकी अपडेट जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम टेलीग्राम चैनल या फिर हमारे यूट्यूब यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए आने की आने वाली चीजों के बारे में। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाउ टू बिकम एन ईवी इंजीनियर का जो एक सीरीज है जो हम लोग चलाने वाले हैं, है ना, हमारे यूट्यूब चैनल पे, वो भी आपको कुछ दिनों में आपको वहां पे देखने को मिलेगा, जिसमें मैं आपको सीक्वेंस वाइज बहुत सारी चीजें पढ़ाऊंगा, राइट। और क्या क्या चीजें हैं, राइट, ये सब तो बहुत अभी मैं बेसिक बेसिक चीज पढ़ा रहा हूँ। वहां पे एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर टॉपिक ले लेके मैं आपको हर एक चीजों को मैं कवर करूंगा, राइट। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो हम लोग आज का जो सेशन है वो हम लोग एंड करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू बहुत, थैंक यू सुरेश।